शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विधायकों से एक आधिकारिक वार्ता कर उनके इलाकों का हाल जाना। इन्होंने जाना कि विधायकों को इस महामारी के चलते किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या लोग सावधानी बरत रहे हैं, और अध्यक्ष जी ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी कि जल्द ही विधानसभा की कमेटियाँ बनाई जाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पर चर्चा हुई कि उनको कैसे प्रभावशाली बनाया जाएगा। इस चर्चा में अध्यक्ष महोदय ने विधायकों से भी सुझाव लिए। कल हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है शुरू हुई थी। कल 40 में से जो 32 विधायक हैं वो VC के अंदर हमारे साथ जुड़े थे, और आज 17 में से 15 विधायक जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ आज यहाँ पर जुड़े हैं। और उन्होंने दो विषयों को लेकर के, एक कोरोना महामारी जो चल रही है इसके अंदर उनकी विधानसभा की क्या स्थिति है, और वहाँ उन्होंने इस कोरोना को भगाने के लिए किस प्रकार से प्रशासन का या सहयोग किया है जनता का, और दूसरा ये था कि जो हम जल्दी ही विधानसभा की कमेटियाँ, जो अलग अलग कमेटियाँ वो बनाने जा रहे हैं, उनको कैसे प्रभावी बनाया जा सके, कैसे उनको और कारगर बनाया जा सके, किस प्रकार से और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सके, तो वो इन दो विषयों के ऊपर सुझाव सभी जो हमारे माननीय विधायक हैं उनसे लिए हैं। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि सभी विधायकों ने बड़े अच्छे ढंग से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया, अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। यहाँ तक कोरोना को निपटने के लिए सभी विधायकों का तकरीबन यही था कि हमने सभी लोगों के साथ मिलकर, सभी NGOs के साथ मिलकर के, जनता को साथ लेकर के कोरोना को भगाने के लिए कार्य किया है, और उसमें बहुत सारे अफसरों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। लेकिन कुछ अफसरों की, कुछ लोगों ने शिकायत की कि कुछ ऑफिसर टेलीफोन तक नहीं उठाते, और मैं समझता हूं कि एक चुने हुए प्रतिनिधि का टेलीफोन ना उठाना या उसको इग्नोर करना वो एक गंभीर मामला है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो विधायक है वो जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, और लोकतंत्र में जनता जो है वो राजा होती है, जनता ही चुन करके लोगों को भेजती है, और जो विधायक है वो जनप्रतिनिधि है, जो हमारा सरकारी अधिकारी है वो जन सेवक है, ही इज़ ए पब्लिक सर्वेंट। तो मैं समझता हूँ कि जनता के काम के लिए यदि कोई जनप्रतिनिधि फ़ोन करता है तो उसको ना उठाना, ना सुनना या इग्नोर करना या उसके ऊपर कोई एक्शन ना करना, एक मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। मैंने कुछ जिन विधायकों ने इस प्रकार की शिकायत की थी, मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी उनके प्रूफ के सहित वो लिखित रूप में भेजें, ताकि हम उन अधिकारियों से उसका कारण भी पूछ सकें, और हमारी जो यहाँ विधानसभा के अंदर प्रिविलेज कमेटी है, वो प्रिविलेज कमेटी जो हमारे माननीय विधायक हैं उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए, और कहीं भी किसी प्रकार से उनका अपमान ना हो उसकी देखरेख के लिए, उनके जो विशेषाधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए बनाई जाती है, तो हम उस कमेटी के अंदर लेकर के जाएंगे, और फिर वो जो कमेटी है वो कोई भी एक्शन लेने के लिए सक्षम है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। सर, एक बात, कल आपने पहले सत्र में बताई थी कि शिकायतें आई हैं, हाँ, उसके बाद शाम का भी सत्र रहा और आज एक सत्र पूरा कर चुके हैं, उसके बाद दो और सत्र हो चुके हैं, क्या उन दो सत्रों में भी इस तरीके की चर्चा रही है? हाँ, एक दो विधायकों ने आज भी कहा है कि इस प्रकार की शिकायतें हैं कि जहाँ कुछ अधिकारी जो हैं वो
ध्यान नहीं दे। सर कौन कौन से विधायक है, कौन कौन से क्षेत्र में ये प्रॉब्लम आ रही है? सर इसी के साथ साथ ये भी है, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट की बात कही गई थी जो कमेटियों की, कम से कम एक्शन टेकन रिपोर्ट। हाँ ये भी एक विषय जो ध्यान में सभी विधायकों ने लाया कि कमेटी की मीटिंग के अंदर निर्णय होने के पश्चात उसके ऊपर कई बार कार्यवाही नहीं होती, पर कई बार तो कुछ अधिकारी मीटिंग अटेंड भी नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने जानकारी दी है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के ये सभी जानकारी उनको भी दूंगा ताकि हम अपने सिस्टम के अंदर सुधार कर सकें, जहाँ कोई किसी प्रकार की कमी है उस कमी को पूरा कर सकें, चाहे वो अधिकारियों के स्तर पर है या कहीं भी और भी है। सर कौन कौन विधायक जो हैं, किन किन को बुलाया गया था इस वीसी के लिए, कि जैसे मंत्री जो हैं वो एग्जाम कर दिए गए थे, कितने विधायक टोटल, कौन कौन जो हैं विधायक जो आपको पता हो जो नहीं पहुँचे, नहीं जिन्होंने अटेंड किए? नहीं देखिए, हमने सभी जो हमारे 70 विधायक हैं उनको इसमें आमंत्रित किया था, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए निवेदन किया था, और उसमें से 80% से ज़्यादा विधायक जो हैं वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं। और हो सकता है कि कुछ जो विधायक किसी कारणवश नहीं जुड़े उनका व्यक्तिगत कोई कार्य रह सकता है। नहीं, ऐसा जब तक मेरे पास कोई लिखित रूप में शिकायत नहीं आती किसी भी अधिकारी के खिलाफ, तो ऐसा कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। अधिकारियों से कुछ कहना चाहिए आपको? नहीं, मैं तो अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो विधायक हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता ने चुन करके उनको भेजा है। लोकतंत्र में जनता जो है वो राजा है। राजा अगर अपना कोई प्रतिनिधि चुन करके भेजता है और वो प्रतिनिधि जो अधिकारी हैं उनको कोई काम कहता है या फ़ोन करता है, तो उनको एक जनसेवक के नाते, एक पब्लिक सर्वेंट के नाते वो उनका जवाब भी दे, उनके कार्य से उनको संतुष्ट भी करे। बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं कि जो मानसून सत्र है वो ज़रूर हमें बुलाना चाहिए। पहली बात तो ये कि अभी क्योंकि मानसून सत्र बुलाने में काफ़ी समय है और भगवान करेगा कि कोरोना का समय प्रकोप तब तक कम हो जाएगा और हम एक रेगुलर सेशन की तरह सेशन बुला पाएंगे। यदि ये कोरोना का प्रकोप जारी रहता है उस समय में भी हम विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, क्या बहुत ज़रूरी है, और अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो हमने 2-3 विकल्प सोचे हैं कि उनके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, ताकि जो सबसे बड़ा फैक्टर है आज कोरोना की दृष्टि से वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनी रहे, 2 गज की दूरी कैसे बनी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पंचकूला के अंदर भी 1-2 विकल्प हैं जहाँ हम इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं, और अपना विधानसभा के अंदर भी हम वर्क कर रहे हैं कि यहाँ पर भी किसी प्रकार से एडजस्टमेंट करके हम विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।